सच्चिदानंद रूपाय व्याप्ताय चराचरम रमयंती इति रामेति राम नाम मनोहरम रामस्य कृपा प्राप्ते ज्ञानोत्पत्त्यं स्वयं कार्यकारण स्वरूपाय तस्मै श्री रामाय नमः। भगवान श्री रामचंद्र जी के परम पावन चरणों में अपना मस्तक रखते हुए माता जानकी के पवित्रतम चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए और दोनों के हाथ मस्तक पर अनुभव करते हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ सर्ग का प्रारंभ कर रहे हैं। भगवत कृपा से उनके कार्य वो जिससे भी कराना चाहते हैं उसे वो सारी क्षमता शक्ति और आवश्यक प्रज्ञा सब कुछ प्रदान करते हैं, जैसे वाल्मीकि ऋषि को प्रदान की। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण संसार के सामने उद्घाटित की, जो भगवान नारद के हृदय में अंकित थी, उन्होंने वाल्मीकि ऋषि को सुनाई और वाल्मीकि ऋषि ने भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से भगवान राम के समस्त लीला प्रसंगों और उनसे संबंधित सभी के परस्पर क्रियाकलापों विचारों वार्तालापों आचरण समस्त वर्णन को समाधिष्ट होकर देखा। ये हमने पिछले तीसरे सर्ग में तृतीय सर्ग में जाना था। आज इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण उन्होंने किया और उसे लव कुश को पढ़ाया। मुनि मंडली में जब रामायण का गान हुआ तब लव कुश की सब प्रशंसा करने लगे और फिर अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित होकर लव कुश ने वाल्मीकि रामायण का गायन सुनाया। ये इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितं प्रश्नं
विचित्र पद मर्थवत। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। यहां पर भगवान शब्द का संबोधन वाल्मीकि जी के लिए किया गया है। इससे आप समझ सकते हो कि भगवान हो जाता है वह व्यक्ति जो आत्मज्ञान प्राप्त करके भगवत्ता में प्रतिष्ठित हो जाता है। कोई लकड़ी अग्नि में जल चुकी और जलकर उद्दीप्त रक्त वर्ण लाल रंग का अंगारा बन गई, उसे कोई भी लकड़ी नहीं कहता। कदाचित कोई मूर्ख ही होगा तो उसे लकड़ी कहेगा, अन्यथा सभी लोग उसे अग्नि ही कहते हैं। ऐसे ब्रह्माग्नि जो है, उसमें जो प्रतिष्ठित हो गया वो ब्रह्म हो जाता है, भगवान हो जाता है। स्मरण आता है मुझे गीता का वह सूत्र, ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनः। उस व्यक्ति के लिए सारा जगत ब्रह्म हो जाता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि के चरणों में इस सेवक का निवेदन है कि आप जिस ऊर्जा और जिस पूर्णता के साथ इस वाल्मीकि रामायण महाकाव्य का समाज, जनता और इस जगत के सामने उद्घाटन किया, उद्घाटित किया इस काव्य को, आपने निर्मित किया श्लोकों के रूप में, जैसी पूर्णता आपकी लेखनी में और आपकी अभिव्यक्ति में हो, मुझे भी वैसी ही पूर्णता दो कि मैं इस शास्त्र का विवेचन भक्तों के लिए उसी पूर्णता के साथ कर सकूं। चतुर्विंशस्तसहस्राणि चतुर्विंशस्तसहस्राणि श्लोकानामुक्तवानप्सि तथा सर्गशतान् पञ्च षष्टकानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, चतुर्विंश यानी पहले इकाई बोली जाती है, इसके बाद दहाई बोली जाती है, यह है संस्कृत का तरीका है। चतुर यानी चार, विंश यानी 20 यानी 24, सहस्त्राणि इसके बाद उससे बड़ी संख्या है, सहस्त्र मतलब हजार यानी 24,000, चतुर्विंश सहस्त्राणि यानी 24,000। श्लोका ना मुक्त व नशी, ये जो श्लोक है, श्लोका नाम उक्त, उक्त यानी कहा है, कहे गए हैं, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि ऋषि द्वारा, तथा सर्ग शतान पंच, और कैसे है, शतान यानी 100 और पंच 500, शता सर्ग शतान पंच, शतान पंच यानी 500 क्या है, सर्ग है, षट कांडानी यथोत्तरम, और कांड कितने हैं इसमें, सात, सात इसमें कांड है। कृत्वा तु
तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास को न्यवेतत् प्रज्ञुजीयादिति प्रभुः। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण करने के बाद पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अग्रणीताम् ततः पादौ मुनिवेशो कुशीलव। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अब सोचिए, जो शुद्ध अंतःकरण वाले आत्मज्ञानी संत होते हैं वो जो भी विचार करते हैं वो उनको सुलभ हो जाता है, वो स्वयं ही कल्प वृक्ष है। इसलिए तो हमारे सनातन धर्म के आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति में आत्मज्ञानी संतों को ही रखा गया है। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रम वासिनो सतु मेघा विनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठतौ वेदो प ब्रह्मणार्थाय तावग्रहयत प्रभु। काव्यं रामायणं कृत्सनं सीताया चरितं महत् पौलस्य वध मित्येवं चकार चरित व्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बहुत मीठा मधुर था। वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। यहां रावण के कुल के साथ उसका नाम लिया गया है। पौलस्त्य वध का मतलब है वो जिस कुल का था वो कुल यही था। पठये गेये च मधुरं प्रमाणेस्तिव विरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तंत्रीलये समन्वितं रसे श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक वीरादि रसे युक्तम काव्य में तद गायता। इन श्लोकों में और उस काव्य के गुणों के बारे में आया है कि ये जो
महाकाव्य है, पढ़ने और गाने में बड़ा मधुर, और तीन प्रकार के जो गतियां होती हैं संगीत में, द्रुत यानी तेज, मध्य यानी मध्यम, और विलंबित यानी खरज में खरज होता है, नीचे होता है, बिल्कुल नीची गति होती है, तो ये इसको विलंबित बोलते हैं। विलंबित में जैसे आपने गायकों को सुना होगा, वो आलाप लगाते हैं, ये विलंबित हुआ। और मध्य में कैसे बोलते हैं, राम नाम नर केसरी, ये मध्य आया। और फिर द्रुत में कैसे, राम नाम नर केसरी अकन पुष्पु कलिका, तेजी से बोलते, जल्दी बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्रुत गति। तो इन दोनों गतियों, इन तीनों गतियों से अन्वित षडज आदि छह जो षडज यानी जो सात सप्तक हैं, सारे गामा पाधानी सानिधा पमागर से सात स्वर हैं, इनसे युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के से गाने योग्य तथा श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक तथा वीर आदि ये जितने नव रस हैं, सभी रसों से अनुप्रामाणित ये शास्त्र है वाल्मीकि रामायण। और दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गायन करने लगे, उसको गाने लगे। तो तु गांधर्व तत्वज्ञौ स्थान मूर्धन कोविदौ भ्रातरो स्वर संपन्नौ गंधर्वा विवरूपिणौ। दोनों भाई गांधर्व विद्या, जो गाने को, संगीत विद्या को गांधर्व विद्या कहते हैं, के तत्वज्ञ थे, इसके तत्व को जानने वाले थे, गुरुकुल में उन्होंने सीख लिया था। और जो स्थान और मूर्धना के जानकार थे, स्थान का मतलब क्या है, ये जो कंठ है, यहां कंठ है, और ये जो कंठ के ऊपर का स्थान है और ऊपर का स्थान है, तो मद्र मध्यम और तार ये तीन स्वरों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। हृदय की ग्रंथि से ऊपर, हृदय की ग्रंथि से ऊपर और कपोल पलक के यानी कपोल पलक के नीचे जो प्राणों के संचार का स्थान है, उसको स्थान कहते हैं। हृदय, कंठ और सिर ये है, और उनके फिर तीन तीन भेद हैं हृदय, कंठ और सिर के। हृदय से भी कोई गाएगा तो मद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक में गा सकता है। कंठ से भी गाए तो भी तीनों में गा सकता है, और सिर से भी ऊपर से गाएगा तो भी सिर से ही गाएगा, क्योंकि पंचम का आपने मन्नाडे का इनका आपने गायन सुना होगा, और शास्त्रीय संगीत के जो गायक हैं उनको सुना होगा आपने, तो आपके ध्यान में आएगा। ये शांडिल्य जो है उन्होंने कहा है इसके बारे में, यदूर्वम हृदय ग्रंथे कपोल फलका दधा प्राण संचारण स्थानम स्थानमित्य विधीयते उरा कंठ शिरोश्चेति तत्पुनस्त्री विधम भवेत मंत्रम मध्यम च तारम च। ये हुआ, तो ये है इसके इसका जो स्थान का विवेचन मैंने बताया। अब मूर्धना का विवेचन सुनिए, जहां पर स्वर पूरा हो जाता है उस स्थान को मूर्छना कहते हैं, मूर्धना नहीं मूर्छना कहते हैं। क्या क्या कहा गया है, यत्रैव वयुस्वरः पूर्णा मूर्छना सेत्युदारहता। ये वैजयंती कोश के अनुसार जिसमें वीणा के बारे में, वीणा बजाने के बारे में ज्ञान दिया गया है, उसमें कहा गया है बादने मूर्छना प्रोक्ता। तो इस प्रकार का उन्हें पूरा ज्ञान था, वो जानकार थे और मधुर स्वर से संपन्न थे और गंधर्व के समान मनोहर रूप वाले थे। गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं, गंधर्व लोग बहुत सुंदर होते हैं और भगवान शंकर के गायक होते हैं। और गंधर्व लोग जो है वो कैलाश के उस पार, इस तिब्बत को पहले गंधर्व लोक कहा जाता था। ये जो तिब्बत है
इसको बौद्धों के आने के पहले यही गंधर्व, तिब्बत ही गंधर्व लोक कहा जाता था। आप गांधारी से मत समझ लेना, काबुल का अंधार मत समझ लेना, ये गंधर्व अलग है और वो काबुल का अंधार अलग है। तो जब दोनों भाई जो हैं ऐसे दिख रहे थे कि जैसे गंधर्व जैसे सुंदर हो, बड़े सुंदर होते हैं, रूप लक्षण संपन्न हो, मधुर स्वर भाषण बिंबादि वो सिथो बिंबो राम देहात तथा परो। वो जो मैं आपको काबुल कांधार की बात बता रहा था उसमें थोड़ी सी बात और बता दूं, अंदर से आ रही है। ये जो अफगानिस्तान है ये पहले उपगण स्थान कहलाता था, यहां गणपति जी के गण रहा करते, गणानाम गुं गणपति, गणानाम त्वाम गणपति गुं हवामहे, प्रियानाम त्वाम प्रियपति गुं हवामहे। ये लोग जो आज अफरीदी पठान के नाम से जाने जाते हैं, ये सभी लोग जो हैं गणपति के गण इनके पूर्वज थे, और यही कारण है कि मुसलमानों में अफरीदी पठान सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। अफरीदी पठान सबसे ज्यादा गौर वर्ण और सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, क्योंकि ये गणेश जी के गण हैं, गणेश जी के अपने खुद के, जैसे हमारे शिष्य हमारे गण हैं, ऐसी ये गणेश जी के शिष्य हैं। तो सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर और बहुत अच्छे स्वर से वार्तालाप भी करते थे, तो बड़ा मीठा बोलते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है, उसी प्रकार से श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए थे दोनों राजकुमार, और दूसरे युगल श्री राम प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था कि दो राम आ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहां भगवान का स्मरण आएगा, आनंद आएगा, तो भगवान के नाम का उच्चारण जरूरी करेंगे हम। तौ राजपुत्रो कात्सन्येन धर्ममाख्यानमुत्तमम् वाचो विदेहम् तत्सर्वम् कृत्वा काव्यम् मनिन्दितौ। ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्वज्ञो जन्तु सुसमाहितौ। मैं आपको एक बात बता दूं, एक पोल खोल दूं अपनी, मैं कभी संस्कृत को विधिवत अध्ययन नहीं किया हूं। पुराने जन्म से कभी कोई मैंने संस्कृत का ज्ञान रखा हो तो वही इस जन्म में मेरे काम आया है। मैं किसी संस्कृत की प्रथमा मध्यमा आचार्य कोई डिग्री मुझ पर है नहीं, और मैं किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत कभी पढ़ने गया नहीं। बचपन से पिताजी जो हैं धर्मशास्त्र जो पढ़ाते थे और श्लोक गाना सिखाते थे, बस वही मुझे आता है। तो भी भगवान मेरी लज्जा रख लेते हैं। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे, सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था, मतलब जिह्वा पे था, उनकी जवान पे था। जब कभी ऋषियों ब्राह्मणों और साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त हो रामायण का ज्ञान किया करते थे। अब इसमें एक खास बात आ गई भाई, तत्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया, यानी दोनों को वाल्मीकि ऋषि ने आत्मज्ञान करवा दिया था। तत्वज्ञ उसी को कहते हैं जो आत्मज्ञानी होता है, तत्वज्ञ उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो यदाचित समेतानां ऋषीणां भवितात्मनां
मध्ये सभम समीपस्थाविदं काव्यमगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वं सर्वे वाप्य पर्याकुले क्षणा। साधु सद्विति ताबचुहु ताबुचुहु परम विस्मय मागतः ते प्रीतम न सह सर्वे मुनियो धर्म बत्सला। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई। ध्यान देना, बहुत से यानी उस समय शुद्ध अंतःकरण वाले, मतलब बिल्कुल समझो कि शुद्ध अंतःकरण तो तभी होता है जब ज्ञान होता है, इसके पहले तो अंतःकरण शुद्ध होता नहीं। तो ऐसे ब्रह्म वेत्ताओं की मंडली एकत्रित हुई, उसमें महान सौभाग्यशाली और समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी ऋषि मुनियों के आंखों में, नेत्रों में आंसू भर आए। वे अत्यंत विस्मित विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। आंसू क्यों भराए? प्रेम के आंसू थे, मैया सीता की करुणा सुनकर उसके आंसू थे, भगवान के गुणानुवाद सुनकर कृतज्ञता में आंसू थे, भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण भाव के आंसू थे। तो मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं। यह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंससुः प्रस्तभ्योः गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यम्। श्लोकानां च विशेषता। वे रामायण कथा के गायन गायक कुमार कुश और लव की प्रशंसा करने लगे, जो प्रशंसा के योग्य थे। इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिवत्त मप्यये तत् प्रत्यक्षमिव दर्शितं प्रवेश्य तावुभौ सुष्टु तथा भाव मगायतां। सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं स्वरसंपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ इतने सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया कि वे पहले की घटनाएं भी ऐसी प्रतीत होने लगी जैसे अभी हो रही हो, प्रत्यक्ष ही दिखाई देने लगी, अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः श्लाभैर् महर्षिभिः संरक्तरमत्यर्थं मधुरं ताव गायताम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। अगर गायक की तारीफ करो, प्रशंसा करो, तो बहुत अच्छा गाने लग जाता है वो, क्योंकि उसको आनंद आ जाता है कि वह हमारे हमारे गायन की का सम्मान करने वाले लोग मिल गए। प्रीत कश्चिन मुनिस्ताभ्याम संस्थितः कलशं दधो प्रसन्नौ बलकलं कश्चिद् दधो ताभ्याम महायशाम। अन्य कृष्णाजिन
मदात यज्ञ सूत्रम तथा परा। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को बलकल वस्त्र दिए। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत दिया। कश्चित कमंडुलम प्रसादन मौंजी मन्यो महामुनि वृषि मन्यस्तदा प्राप्ता प्रादात कोपीनं परो मुनि ताभ्या ददो तदा हृष्टः कुठारं परो मुनि काषायं परो वस्त्रं चीरमन्यो ददो मुनि। एक ने कमंडल दे दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। कुठार यानी फरसा। ये सिद्ध करता है कि ऋषि मुनि शस्त्र रखते थे। अरे अहिंसा अहिंसा करने वालों देख लो, बालकों को कुठार अर्पित किया तो इसका भी तो कोई तात्पर्य होगा। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। मैं आपको यहां कहने चाहता हूं, जो कायर होते ना, कायर डरपोक, वो अहिंसा की दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अरे अहिंसा तो उसी को शोभा देती है ना जो शक्तिशाली होता है। जो शक्तिशाली नहीं, एक पहलवान जा रहा था सड़क पे, एक दुबले पतले मरघल्ले में एक दिया मिला के चांटा कोई कारण से दे दिया होगा, उसने कोई हरकत कर दी थी तो दुबला पतला मरघिल्ला कहता जा जा मैंने तुझे माफ किया। तो पहलवान ने एक और मिला के दिया कि अरे मैं तुझे माफ, अब तुझे माफ नहीं करूंगा, अगली बार देना मत, मारना मत मुझे। पहलवान ने एक तीसरा चांटा और मिला दिया तो वो रोता हुआ चला गया। तो भैया क्षमा और अहिंसा उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली हो, है ना। विद्या विवादाय धनम अदाय शक्तिं परेषां परप्रीडनाय खलस्य साधुस्य विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय पररक्षणाय। अगर पाकिस्तान और चीन मजबूत होंगे तो वो क्या करेंगे? आतंकवाद फैलाएंगे, लोगों को डराएंगे और एक धर्म विशेष में दीक्षित करेंगे। और इसमें भी धर्म विशेष में भी बहुत संप्रदाय है, बहुत सारे संप्रदाय है, उसमें दीक्षित करेंगे और लोगों के से रजोगुण और तमोगुण और ऐसी अनशन चीजें खाना सिखाएंगे और अनशन काम करना सिखाएंगे। लेकिन यदि भारत मजबूत हुआ, भारत ताकतवर हुआ, तो वो पूरे विश्व में शांति फैलाएगा। जहां कोई गड़बड़ करेगा उसको जाके दबा देगा, किसी की जमीन नहीं हड़पेगा, किसी को ठगेगा नहीं, किसी की कंपनी नहीं हड़पेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भारत का मजबूत होना आवश्यक है। जब भारत मजबूत होगा तभी अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र सार्थक होगा, अन्यथा ये सूत्र आप हंसेंगे लोग आपके ऊपर, जैसे अभी तक हुआ, 2014 के पहले हुआ वैसा होगा। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं लेकिन मैं राष्ट्रीय व्यक्ति तो अवश्य हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत पूरे विश्व की आत्मा है। अगर भारत नहीं तो पूरे संसार जो है आत्माविहीन हो जाएगा। अगर भारत नहीं और सनातन हिंदू धर्म नहीं तो लोग बर्बर हो जाएंगे, आदमी आदमी को खाने लग जाएगा, जैसे कि आप अन्य देशों में आपने देखा ही होगा, सीरिया में, यमन में, कतर में, बहुत सारी जगह पर, सन 1971 में बांग्लादेश में देखा होगा, आपने दक्षिण भारत में भी, ये श्रीलंका में भी देखा होगा, आप पूरे विश्व में देख ही रहे हो। भारत का मजबूत होना संसार की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इस चीज को भारत के लोग समझें। जटा बंधन मन्यस्तु
काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डमृषः कश्चिन् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरी ब्रसीमन्यः स्वास्ति केचिद् तदा वदन् आयुष्यमपरे प्राहुर्मृदा तत्र महर्ष्यः तदुञ्चैव वरान् सर्वे मुनियः सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दे दी, तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान कर दी, एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दे दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित कर दिया, किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया, कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। अब आप दे दो किसी को, पंडित को समिधा बांधने की डोरी दे दो, जटा बांधने की डोरी दे दो, यज्ञ पात्र दे दो, लकड़ी का काष्ठ भार दे दो, गूलर की लकड़ी का पीठा दे दो, दोगे क्या दे रहा भैया, पैसे दो भैया, सोना की सोने का जेवर दो, चांदी का जेवर दो। लेकिन ब्रह्म वेत्ता जो होते हैं ना, उनको ये चीज जरूरत सोने चांदी की जरूरत नहीं रहती है, उनको तो बस यही जो ऋषि मुनियों के पास यही संपदा थी तो वही उन्होंने उनको दी। इसलिए फिर कहता हूं, अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो ब्रह्म वेत्ताओं की वजह से बनेगा। भारत विश्व गुरु कभी भी कर्म कांडियों के वजह से नहीं बन सकता। हिंदू धर्म में तीन कांड, कर्म कांड सबसे नीचे, इसके बाद उपासना कांड मध्यम में है, इसके बाद ज्ञान कांड सबसे ऊपर है। तो ज्ञान कांडी लोग कौन होते हैं, ज्ञान कांडी यानी ब्रह्मवेत्ता होते हैं उन और उनके शिष्य होते हैं। अभी भारत सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सही संस्कृति का प्रतिपादन, सही ज्ञान का प्रतिपादन, सही आध्यात्म का प्रतिपादन केवल ब्रह्मवेत्ता ही कर सकते हैं, वरना ये लोग तो भारत को विश्व ठग बना देंगे गुरु बनाने की जगह, क्योंकि इनका ध्यान तो धन में है, सोने में है, चांदी में है, हीरे में है, जवाहरात में है, धन में है, इनका ध्यान जो है जमीन में है, आश्रम में है। बात बिल्कुल अच्छे से समझ लेना मेरी, क्योंकि इसीलिए आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों के जिनके दो दो ढाई ढाई हजार आश्रम जेल में पड़े हुए, जिनके पास करोड़ों की संपदा जेल में पड़े हुए, क्योंकि ब्रह्म वेत्ता को ऐसा धन, कोई सोना चांदी नहीं, हीरा मोती कुछ चाहिए ही नहीं रहता ना, तो उनको तो क्या चाहिए, उनको तो आसन समिधा है ना, और कौपीन वस्त्र, बस यही यही चाहिए उनको, उनका यही धन है। आश्चर्यमिदमाख्यानम् मुनिना संप्रकीर्तितम् परम कवीनामाधारम् समाप्तम् च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती यानी आगे आने वाले कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला होगा। इसको देखकर ये अपनी अलग अलग रचनाएं लिख सकेंगे। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अविगीतमिदं गीतं सर्वगीतशु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुति मनोहरम्। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला और सबके कान और सबके मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गायन किया है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचिद तत्र गायकौ रथत्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्वमे स्वबेश्य चानीत
ततो भरतारोच कुशील बहु पूजमास पूजाहौर रामः शत्रु निवरण निवरहणः आसीन कांचने दिव्ये सच सिंहासने प्रभु उपोपविष्टे सचिवैर्भादिभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसंपन्नौ विनीतौ भ्रातरा बुभो उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानामन योर्देववर्चसोः विचित्रार्थपदं सम्यगायकौ समचोदयतः। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोक का गान करते हुए विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने आदर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर इसके बाद शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम स्वर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवताओं के समान तेजस्वी और दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं, तुम सब लोग इसे सुनो। यो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भगवान कैसी लीला करते हैं, हमको सब पता था। तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनी स्वनं तंत्रीलयवदर्थं विश्रुतार्थमगायतां राधयत सर्वगात्राणि मनसांसि हृदयानि च श्रोत्रास्य सुखं गेयम् तब भोजन संसदी। आज्ञा पाकर दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार यानी उच्च और मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गायन करने लगे। अगर आपको ऊंचे स्वर में गाना हो तो गले को ढीला छोड़ देना। अगर आपने ऊंचे स्वर में गाने पे गले को ढीला नहीं छोड़ा तो आपका गला फट जाएगा, यानी आपका गला बैठ जाएगा, भर भर करोगे बाद में। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्षजनित रोमांच हुआ है तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस सब जनसभा में होने वाला वह गान सबकी सबने इंद्रियों को सबके कानों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। पहले की भाषा कितनी अच्छी थी, कान नहीं बोलते थे उसके बाद नहीं बोलते, तदंतर शब्द का प्रयोग करते थे। बक्तुम मतलब बोलना नहीं बोलते थे, बक्त बोलते थे, बोलने को ऐसे मधुरता से बोलते थे, एक दूसरे से सम्मान के साथ बात करते थे, आर्य पुत्र करके बोलते थे, श्रेष्ठ करके बोलते थे, तात करके बोलते थे। आज जैसे जंगली लोग नहीं है, ऐसे नहीं बोलते थे। अब तो लोग ये भी नहीं बोलते कि आप इधर आइए, ये भी इतना भी मतलब बोलने की लोगों को समझ नहीं है। वो तो समय, उसी समय में हमको लौटना होगा, उसी तरह हमको सब मधुरता से बोलना सीखना होगा। ये रामायण का ये जो सर्ग है अपने को सिखा रहा है कि मधुर बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, यथार्थ बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, संगीतमय बोलना चाहिए। इमोहो मुनि इमो मुनि पार्थिव लक्ष लक्षणान्वितो कुशील वोचैव महातपस्विनो
ममादियत भूतिकरम प्रचक्षते महानुभावम चरितम प्रबोधतः। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। भगवान ने इशारा दिया अपने भाइयों को, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार, मतलब शब्द अर्थ और अलंकार उत्तम गुण और सुंदर रीति से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है। मैं ये गाते हैं तो मेरा भी यश, मेरा यश बढ़ता है, मेरा अभ्युदय होता है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम लोग ध्यान पूर्वक इसे सुनो। ततस्तु तो राम बचह प्रचोदिता बगायता मार्ग विधान संपदा। सचापि रामः परिषद गता शैनेर बुभूषया सक्त मना बभूव। तदंत श्री राम जी की आज्ञा से प्रेरित होकर दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। अब मार्ग विधान क्या होता है ये समझ लो आप। गायन दो प्रकार का होता है, एक मार्ग गायन होता है और एक देशी गायन होता है। भिन्न भिन्न देशों में प्राकृतिक भाषा में जो गाए जाते हैं गाने उनको देशी गाने कहते हैं। जैसे होली पर आप देखो कि होली का फड़वा अलग अलग गाया जाता है, बिहरवा अलग अलग गाया जाता है, बिहार में अलग तरह के गाने होते हैं, महाराष्ट्र में अलग तरह के गीत होते हैं, संच होता है और नौटंकी के गीत होते हैं और इस तरह के होते हैं। तो ये सब क्या है, देशी हैं। और मार्ग का मतलब होता है कि बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से गाया जाए, स्टैंडर्ड, बिल्कुल समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषा का आश्रय लेकर जो गायन गाया जाता है वह गायन मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे गायन गायक जो है आपने भारत में गायक का नाम सुना होगा, कुमार गंधर्व का नाम सुना होगा आपने, आपने हरिदास जी का नाम सुना होगा जो तानसेन के गुरु कहलाते थे लेकिन वो वृंदावन में रहते थे भगवान और केवल श्री कृष्ण भगवान के लिए गाते थे। प्रभु दीन बंधु हरिदास जी को प्रणाम करता हूं। तो जो इस प्रकार का पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध और गायन विद्या के अनुकूल संस्कृत आदि भाषा का आश्रय लेकर गाया जाता है, जैसे दक्षिण में एक संत हुए तिरुवल्लु, तिरुवल्लु ने भी रामायण लिखी, वो भी एक संत हुए, बहुत महान संत हुए। दक्षिण में बहुत सारे ऐसे संत हुए जिनको आप जानते भी नहीं हो और वो जो है मार्ग में गाते थे, मतलब तमिल भाषा भी ऐसा मत सोचो आप, तमिल तेलुगु मलयालम उड़िया ये जो भाषाएं हैं ये संस्कृत की बहने हैं, संस्कृत से की बहने हैं। और कहा जाता है कि तमिल भाषा तो बहुत प्राचीन है। कभी मैं अभी दक्षिण में जब मैं गया था तो मैंने तमिल में शिलालेख देखे और तो तमिल के शिलालेख से भी और पूर्व की जो भाषा थी जो रावण के काल की भाषा थी वो भी मैंने वहां पत्थरों पे मंदिरों में अंकित देखी। ये जो दक्षिण के मंदिर हैं कोई कहता है इसने बनाए, कोई कहता है उसने बनाए, किसी ने बनाए नहीं है, ये भगवान के जो दो शिल्पकार हैं, एक तो मय दानव है जो राक्षसों के लिए बनाता था और देवताओं के लिए जो बनाते थे उनका नाम है विश्वकर्मा, तो इन दोनों के ही बनाए हुए हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये दक्षिण के जो मंदिर है वे कितने पुराने समय के बने हुए हैं, इन्हीं ने बनाए, विश्वकर्मा ने और मय दानव ने बनाए ये मंदिर, ये पक्की बात है, आप इसको झूठ मत समझना।
ये किसी मनुष्य द्वारा निर्मित मंदिर नहीं है, ये मैं दानव और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंदिर है। और इस देश का दुर्भाग्य ये हो गया कि यहाँ पर इतिहास का लेखन कम्युनिस्टों के हाथ में दे दिया और कम्युनिस्टों ने ऐसा इतिहास लिखा कि हमारी पीढ़ी को पता ही नहीं है कि क्या वास्तव में सही इतिहास है। और इसका समन्वय भी नहीं किया किन मंदिरों के फोटो से, भाषा से, उनकी उनको पढ़कर शिलालेखों को, उन पर शोध ग्रंथ, उनका प्रचार हो, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने प्रचार तो किया किसका, अरबी फारसी भाषाओं का, उर्दू भाषाओं का, और जो है भोंडे जो आयर शायर है इनका प्रचार किया। भोंडे कहूंगा मैं इनको, न लय है, न ताल है, न कुछ है, न संस्कृति है, न सभ्यता है, न आचार है, न विचार है, न भोजन ढंग का है। ना जिसका भोजन ही ढंग का नहीं है तो वो कैसे अच्छा गाएगा, कैसे अच्छी चीज लिखेगा, कैसे कविता लिखेगा, वो कैसे समाज को अच्छा संदेश देगा। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो बनाए हुए सांस्कृतिक प्रतीक हैं, मंदिर हैं, काव्य हैं, हमारे यहाँ के ये जो है नाटक है, हमारे यहाँ की कहानियाँ हैं, हमारे यहाँ का जो है वस्त्र कला है, चित्रकला है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि इन्होंने नष्ट ही कर दिया। जैसे नालंदा और तक्षशिला को जला दिया, ऐसे इनको इन्होंने नष्ट ही कर दिया। तो भगवान की कृपा से ये वाल्मीकि रामायण बच गई। तदंतर श्री राम जी की आज्ञा से प्रेरित होकर दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे और सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। आप भी तन्मय हो जाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान राम की कृपा से ये चतुस्वर्ग पूरा हुआ। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थ सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशील कोमलम्, नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशील कोमलम्। जय श्री राम।